पलामू जिले के पिपड़ा टाड़ थाना अंतर्गत ग्राम लोहरसी में 17/12/2021 को दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जिसकी कांड संख्या 32/2021 एवं 33/2021 से पिपड़ा टाड़ थाने में मामला दर्ज है, जिसमें अजीज मियां के सर पर गंभीर चोट लगी और उनके मुताबिक मेदिनी नगर सदर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में अजीज मियां के हालात को देखते हुए चिकित्सकों ने रांची रिम्स के लिए रेफर किया। 15 दिवसीय इलाज के बाद 2/1/2022 को अपने गाँव लोहरसी पहुंचे। इस खबर को सुनकर भीम आर्मी सहानुभूति हेतु मिलने पहुंचे। भीम आर्मी प्रखंड कमेटी ने पिपरा टाड़ थाना प्रभारी राहुल गुप्ता से मिले और कहा कि इस मामले को जांच करने हेतु दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। आपका नाम क्या है सर? मतीन अहमद, भीम आर्मी सचिव पाके प्रखंड। मैं अजीत साहब को करीब करीब 5-6 साल से जान रहा हूँ। नेहायत ही व्यक्तिगत शरीफ आदमी है। इनको मैंने इन्हीं के समाज द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। बहुत मैंने बुरी तरीका से इनको पीटा गया है और ये इनके कहने अनुसार कि ये प्रशासन को केस दिए हैं पिपराटाड़ को, जो कि इनका धीमी गति से केस चल रहा है और कोई कार्रवाई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इनको जो उचित न्याय हो इनको मिले और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको पकड़ कर जेल के सलाखों में डाला जाए और कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है उन पर किया जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है वीरेंद्र राम जी। मैं पांकी प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी हूँ, भीम आर्मी पांकी प्रखंड अध्यक्ष। मुझे खबर मिला कि पिपराटाड़ थाना लोहरसी गांव में मारपीट हुआ है, आपसी विवाद है। तो हम लोग मौके खबर सुन के हम लोग आए हैं लोहरसी में, अपने साथी के साथ टीम के साथ में आया हूँ अजीत साहब के यहाँ। तो अजीत साहब को मैं देखा, बुरी तरीके से इनका मारपीट हुआ है और माथा में बहुत गहरा चोट है, बात भी नहीं करने सक रहे हैं। इस को इस मारपीट को घोर निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी पर उचित कार्रवाई किया जाए, जो दोषी है उसको गिरफ्तार कर अभिलंब जेल भेजा जाए। यही चाहते हैं कि ये घोर निंदा करने योग्य बात है। किसी पर जानलेवा ऐसा हमला कभी नहीं करना चाहिए इंसान लोग को। जान मारने का किसी को अधिकार नहीं है। यही मांग करते हैं कि इसको अभिलंब गिरफ्तार किया जाए, दोषी को कार्रवाई किया जाए। आप अभी विधायक जी से भी बात कर रहे थे, विधायक जी क्या बोले आपको? विधायक इस बात पर विधायक जी से बात हुआ है, स्थानीय जिला परिषद से बात हुआ है और पिपराटाड़ा थाना प्रभारी से भी बात हुआ है। थाना प्रभारी जी भी आश्वासन हमको किया, वो आश्वासन दिए कि वो दोषी जो है फरार चल रहा है, अगर मिलता है तो मैं उसको पकड़कर गिरफ्तार करने का काम करूंगा, मुझे आश्वासन दिए हैं। ठीक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। अजीज मियां घर जो झगड़ा हुआ है, अजीज मियां के लोग मार पीट करके सर फोड़ दिया है, हड्डी टूट गया है, ये विषय में आप कुछ जानते हैं? वहाँ पे एक्चुअली हम थे नहीं, लेकिन हमको बाद में जैसा पता चला कि दो पक्षों में मतलब मारपीट हुआ है जमीन संबंधित। जमीन का कुछ कुछ मामला था, तो अजीज मियां का गोतिया और एक मतलब दूसरा पार्टी एकराम मियां, दोनों में झड़प हुआ है और दोनों तरफ से लोग घायल है। ऐसा नहीं है कि अजीज मियां एक तो घायल है, तो इधर से भी लोग मैंने घायल है। उन लोग मतलब इन लोग भी, ये पक्ष वाले भी मैंने हॉस्पिटल में है। और इसमें जो है सो मैंने बहुत लोग ऐसा है जो निर्दोष लोग को फंसाया भी गया है। अच्छा, इसमें जो जो मेन मुद्दाले हैं, ऐसे अजीज मियां तो है ही हैं, वो तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं 2 तारीख को, लेकिन इधर जो मिन्हाज लोग के जो दूसरा पार्टी है वो लोग सब फरार है। तो फरार नहीं है, उन लोग को भी जैसे घायल किया गया है, तो उन लोग भी हॉस्पिटलाइज है। उन लोग तो अभी तक उन लोग भी नहीं आए हैं। और जैसा है कि मतलब जैसे एकराम मियां की तरफ से एकराम ही मियां लोग थे और उसमें अदर पार्टी कोई नहीं था। जैसे मैं केस हुआ है आपका जैनुद्दीन अंसारी पे, जो टीचर हैं और वो अपना मैंने ड्यूटी में रहते हैं हमेशा, उनको ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता है। तो ये केस है सो बेबुनियाद है और मतलब गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसमें मैंने जो राहुल गुप्ता जो थाना प्रभारी हैं पिपराटाड़ के, जो इधर से मतलब गाँव से रिपोर्ट उठा के चारों घर से पता किए, तो मैंने मतलब जैनुल मियां का भी नाम है जैनुद्दीन अंसारी के। जिस दिन यहाँ पे प्रशासन आई उस दिन तक हम लोग को पता नहीं था,
कि मैंने हम लोग का नाम है जब जैनुल मियां आपके पिताजी हैं। हाँ, जैनुद्दीन अंसारी मेरे पिताजी हैं। आ, उनका भी नाम है, आपका कहना है कि वहाँ मेरे पिताजी नहीं थे, वो ड्यूटी में थे ऑलरेडी। मार है सो 9 बजे हुआ है, तो ऑलरेडी 8 बजे का मेरा पापा का मतलब रजिस्टर मतलब सिग्नेचर भी है, ऑनलाइन सिग्नेचर भी है, तो मैंने ऐसे ही पता चलता है कि मैंने वो घर। ये तो खैर जाँच का विषय है। और मेरे वो शाहजहां अंसारी भी हैं, उनका भी केस में नाम है, वो भी नहीं है। और है सो इम्तियाज अंसारी भी है, वो भी केस संबंधित कुछ नहीं जानते हैं। मैंने इन लोग 3-4 आदमी केस संबंधित कुछ नहीं जानते हैं, इन लोग को मैंने बेबुनियाद फंसाया गया है। पिपरा टाट पलामू से सराजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव ने सदर अस्पताल साहिबगंज से किया, जहां उपायुक्त ने टीकाकरण को आए युवाओं को जागरूक करने हेतु कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी निभाने की बारी है। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र पर व्यवस्थाओं का मुआयना करते हुए संबंधित कर्मियों से आवश्यक जानकारियां ली। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 से 18 साल के किशोरों को टीकाकरण के लिए 2007 या उससे पहले जन्म लिया होना अनिवार्य है, जो टीके के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑन साइट कराया जा सकता है, जहां उन्हें अपना आधार कार्ड लाना होगा। जो 15 से 18 के जो बच्चे हैं उन सभी का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। जैसे पहले भी हम लोग 18 प्लस और 60 प्लस का वैक्सीनेशन जिला में कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने कुल 7 सेंटर बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं। सभी जगह पे चाइल्ड एनवायरमेंट थोड़ा सा वैसा करके एनवायरमेंट दे के बच्चों को से डोज दी जा रही है सभी 7 जगह पे। और मैं सभी बच्चों से उनके पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला को जैसे सुरक्षित रखना है और हमें सुरक्षित रहना है, हमारी स्कूल्स कोचिंग स्कूल्स अगर खुले रखने हैं तो सभी बच्चों को आने वाले 15 दिन के अंदर सभी बच्चों को प्रथम डोज दिला दें, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहें। जिला में लगभग 15 से 18 में 83,000 बच्चे हैं। आने वाले 15 दिन में हम सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी अभिभावक और बच्चों से हमें कोऑपरेशन की अपेक्षा है। साथ ही साथ और भी चीज़ें चल रही है, कोविड का जो प्रसार चल रहा है, जिन लोगों ने 18 प्लस भी जिन लोगों ने नहीं लिया अभी तक प्रथम डोज, उनसे भी मेरा निवेदन है कि सब लोग ले लें। द्वितीय डोज जिनकी ड्यू है वो भी अपना दूसरा डोज ले लें, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहें। आने वाले समय में जो भी कोविड से प्रॉब्लम्स हो सकती है सबके लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। आप सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।